डियर स्टूडेंट्स, और किसी से पूछता हूँ। अब्दुल रहमान अफसार। अब्दुल रहमान अफसार। आमना अरमान, आप कुछ बोल जरूर रही हैं लेकिन मुझ तक आवाज नहीं आ पा रही, मे बी ड्यू टू नेट। अब्दुल रहमान अफसर, आपको ये बात समझ में आई? उमेर आमिर, गेम खेल लो, पढ़ लो। अच्छा, ना यहीं से आगे कंटिन्यू करता हूँ, अगले रूल पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है? तो मैं ये चाहूंगा, ज्यादा बेहतर यही है कि आप इस रूल को याद रखें कि अगर मैं टोटल में किसी को ग्रुप कर देता हूँ तो उस वक्त आप उस ग्रुप को आर कह दें, टोटल को एन कह दें, एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू कैन काउंट द टोटल नंबर ऑफ वेज। चलो, अब मुझे एक बात बताओ यहां पर, कि अगर मैं यही तुम्हें क्वेश्चन इस तरह दूं, पार्ट सी था ना? सही है। तो पार्ट डी, सकीना विल नेवर सेट वेद, चलो कोई और बंदा ले लेते हैं, इफ्तिहार। कोई मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके देगा? यू कैन रेज योर हैंड, बल्कि रुक जाओ। उमेर आमिर, नहीं थोड़ी सी आवाज बढ़ाओगे तुम अपनी? क्यों? आता, मुझे याद नहीं है, मुझे अभी तुमने पिछला वाला पार्ट मुझे बोला, तुम्हें समझ में आ गया है? वो तो आ गया अगर वो आ गया है तो इसका मतलब वो वाले पार्ट सेपरेट में दो बंदे, वाला। हाँ हाँ सेपरेट वाला मुझे याद नहीं है, वो तो आ गया। वो आ गया ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सात बंदे एक साथ किसी भी तरीके से बैठेंगे तो टोटल पॉसिबल वेज कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी नेवर सेट को फाइंड करना चाहिए आपको, जब भी नेवर सेट को फाइंड करना चाहे, नीदर को फाइंड करना चाहे, नेवर को फाइंड करना चाहे, तो टोटल में से उसके होने की पॉसिबिलिटी को फाइंड कर ले। टोटल में से उसके होने की पॉसिबिलिटी को अगर माइनस कर दूं मैं, मतलब मैं ये कहूँ कि सकीना और इफ्तिखार अगर साथ बैठेंगे, सकीना और इफ्तिखार अगर साथ बैठेंगे तो उसको मैं माइनस कर दूं अगर, तो मुझे नीदर की पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। यानी सात बंदे हैं, सात कहीं भी बैठेंगे तो उसका आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है? अब ये मान लो कि सकीना और इफ्तिखार एक साथ बैठेंगे, तो इसका मतलब मैं टोटल सात में से दो का ग्रुप बना रहा हूं, तो मैं फॉरन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, विच इज ये तो टोटल हुआ है। अब मैं एन 7 मान रहा हूं, ग्रुप में दो का बना रहा हूं, तो इस ग्रुपिंग के टोटल माइनस ग्रुपिंग, बल्कि लिख देता हूं ज्यादा अच्छा हो जाएगा, नीदर ग्रुप को अगर निकालना है तो टोटल माइनस ग्रुप को यूं कर दो। तो अगर मैं अब ग्रुप निकालता हूं तो ग्रुप कैसे निकालूंगा? एन माइनस आर 7 माइनस 2 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल विच इज 2 फैक्टोरियल। तो अब ये आ गए आपके टोटल 7 फैक्टोरियल। चलो अगर मैं निकालता हूँ तो 7 फैक्टोरियल आएगा, मैं जरा कैलकुलेटर से कर लूँ भाई, 7 5040, ये आएगा 5040, ठीक है? 7 माइनस 2 5 प्लस 1 6 फैक्टोरियल।
मल्टीप्लाई ये आ गया 1440। ठीक है, तो अब अगर मैं सकीना और इफ्तिखार साथ ना बैठें इसके टोटल वेज निकालना चाहूं, ठीक है, तो टोटल है 5040। ठीक है, इसमें से उनको अगर मैं माइनस कर दूं जिसमें वो साथ बैठ रहे हैं, तो मेरे पास वो पॉसिबिलिटी आ जाएगी जिसमें वो साथ नहीं बैठ रहे, माइनस 1440। तो 5040 में से इसको मैं अगर माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 3600। ठीक है, तो तुम पहले अपने जहन में बिठाओ दो बातें, क्या अगर मैं किसी भी एक को फिक्स कर दूंगा तो काउंटिंग कम हो जाएगी, अगर मैं ग्रुपिंग करूंगा, अगर मैं ग्रुपिंग करूंगा तो मैं ये n माइनस टू प्लस n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल का रूल अप्लाई करूंगा। ग्रुपिंग नहीं करूंगा तो उसका रूल क्या होगा कि जो टोटल में से ग्रुपिंग वाले उनको माइनस करके नीदर ग्रुपिंग वाले को मैं निकाल। ठीक है, क्लियर होती है बात ना। अब अगर मैं आऊं पार्ट ई पे, अभी सारे ग्रुपिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, पार्ट ई ये है कि सेपरेटली गर्ल्स और बॉयज बिठाओ, मतलब गर्ल्स एक तरफ बैठे बॉयज एक तरफ बैठे, साथ बॉयज एक साथ सारे बैठे गर्ल्स एक साथ सारी बैठे। हाँ भैया, कौन जवाब देगा इसका? कौन मुझे इसका जवाब देगा, सेपरेटली गर्ल्स एंड बॉयज? तुम लोग खुद तो बोलोगे नहीं तो इसका मतलब मुझे ही बुलवाना पड़ेगा। अरीशा राशिद, सर हम लोग गर्ल्स को अलग रखेंगे, बॉयज को अलग। ठीक है, टोटल बॉयज कितने हैं? चार। टोटल गर्ल्स कितनी है? तीन। फोर फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल। फोर फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल प्लस थ्री फैक्टोरियल। चलो मैं इसकी पॉसिबिलिटी तो समझाता हूँ। चारों बॉयज साथ बैठेंगे, डन, एंड तीनों गर्ल्स साथ बैठेंगे। पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई। ये भी तो हो सकता है कि गर्ल्स पहले तीनों बैठ जाए और फिर चारों बॉयज बैठ जाए। अब एक बात यहाँ पे नोट के तौर पे लिखना, एक बात यहाँ पे नोट के तौर पे, स्टैटिस्टिक्स में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब होता है प्लस। अब बॉय 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 बॉय, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं पीछे आता हूं, ये चारों बॉयज का आ गया 4 फैक्टोरियल, एंड की वजह से मल्टीप्लाई होगा, और तीनों गर्ल्स का आ गया 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल प्लस और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। इस बात को मैं यूं भी तो लिख सकता हूं कि 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल दो दफा आ रहे हैं। क्या कहते हो? जी सर, आ गया सर। ठीक है, यस सर। नूरुलैन जी, जी सर। अब तक का लेक्चर समझ में आया? जी। चलो तुम मुझे अगले सवाल का जवाब दो फिर। नहीं। अगला सवाल तुमसे ये है, पार्ट एफ, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, दो बॉयज एक साथ नहीं बैठने चाहिए। टोटल बॉयज हैं कितने? चार और थ्री और, अच्छा, और गर्ल्स कितनी है? थ्री गर्ल्स। ठीक है ना, यानी इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर चार बॉयज हैं तो हर दो बॉयज के दरमियान गैप एक गर्ल होनी चाहिए। जी। ठीक है ना, तो मुझे एक बात बताइए, तो वही कॉन्सेप्ट बन गया, चार बॉयज का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा गौर करना, यहाँ पे क्या आएंगे? चार। यहाँ पे कितना आएंगे? तीन। यहाँ पे कितना आएंगे? दो। यहाँ पे कितना आएंगे? एक। 4 3 2 1 क्या बना ये? 4 फैक्टोरियल।
जी ये पहली गर्ल है, मतलब तीन गर्ल में से कोई एक यहाँ बैठेगी, फिर यहाँ पे दो बैठेंगी, फिर यहाँ पे एक बैठेंगी। अगर तुम गर्ल्स को देखो, मैं जरा पेन चेंज कर देता हूँ, ये तीन गर्ल्स, ये दो गर्ल्स, ये एक गर्ल्स, तो इसका मतलब गर्ल्स का आ गया 3 factorial। इसका मतलब कोई भी दो बॉयज अगर साथ ना बैठे तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी निकल सकती है, 4 factorial मल्टीप्लाई बाय 3 factorial। बैठता है जी। तो अब अगर ये साथ ना बैठे, इसका तुम्हें समझ में आया तो मुझे अब तुम सोचते हुए जवाब देना, पार्ट जी, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। कोई दो गर्ल साथ ना बैठे जी, एक मिनट, मैं 7 पोजीशन बना लेता हूँ तुम्हारे लिए भी, तुम भी बना लो अपने पास, 3, 3, 6, 7 सारे बनाए, मुझे इन सबका आंसर सबसे चाहिए। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, मैं नूरुलैन से पूछने के बाद किसी और से भी पूछ सकता हूँ, जरा जल्दी से सॉल्व करें। 4 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, और कोई भी 2 गर्ल्स साथ नहीं बैठेंगी। हमेशा याद रखिएगा, इसका सबसे आसान हल ये है कि जो काउंटिंग में ज्यादा है ना, पहले उनको बिठाया करें। आप लोग सबके पास 2 मिनट हैं। Yes, सर, इसमें भी सेम कंडीशन ही होगी, 4 factorial 2 factorial। चलो ये तो तुम्हारी बात में बांध लेता हूँ, 4 factorial बॉयज होगा। अब बॉयज को तुमने बिठाना कहाँ से शुरू करा वो देखना जरा, ठीक है ना। देखो यहाँ बॉय बैठ सकता है, ठीक है, तो और यहाँ बॉय बैठ सकता है, यहाँ बॉय बैठ सकता है, यहाँ बॉय बैठ सकता है, सही कहा मैंने जी। मैं तुम्हें स्पेस बना दूँ। अब यहाँ तो गर्ल यहाँ बैठेगी, यहाँ यहाँ बैठेगी, या यहाँ बैठेगी, या यहाँ बैठेगी, या यहाँ बैठेगी। दो गर्ल्स इस तरह कहीं भी बैठ सकते हैं, तो अगर दो गर्ल्स इस तरह कहीं भी बैठेंगे, यानी मिसाल के तौर पे ये पहला बॉय है, ये दूसरा बॉय है, ये तीसरा बॉय है, ये चौथा बॉय है, तो इस पहले बॉय के इस दोनों तरफ गर्ल्स बैठ सकती हैं, दूसरे बॉय की भी इन दोनों तरफ गर्ल्स बैठ सकती हैं, तीसरे बॉय की तरफ भी दोनों गर्ल्स बैठ सकती हैं, एंड सो ऑन, चौथे बॉय की भी दोनों तरफ गर्ल्स बैठ सकती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, तीन गर्ल्स के पास 4 बॉयज के दरमियान बैठने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 1, 2, 3, 4, 5। अब लेट से इस पे पहली गर्ल आ गई, तो अगले 4 पे कितने गर्ल्स की पॉसिबिलिटी होगी? अगले जो 2 गर्ल्स बैठ गई उसके पास 4 की पॉसिबिलिटी है, फिर जो अकेली गर्ल रहेगी उसके पास कितने की पॉसिबिलिटी है? 3 की। समझ में आया जी? जरा मैं बाकी से भी पूछता हूँ। अब्दुल रहमान, आम नाम अरमान, यस, लोअर हैंड और आमना रमान, यस आमना, सर मुझे समझ नहीं आया, प्लीज आप इसको एक और बार समझा दें। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ तुम्हें दो बॉयज अगर साथ में बैठेंगे उनकी पॉसिबिलिटी समझ में आई? हाँ। तो पहला आलम ने समझाया 4 factorial into 3 factorial। जी सर। अब देखो
जब तुम्हें दो लड़कियों को साथ नहीं बैठाना, इसका मतलब तुम्हें दो लड़कियों के दरमियान लाजमन एक बॉय चाहिए, ठीक है। अब तुम सोचो कि तुम्हारे सामने चार बॉयज बैठे हैं और हर दो बॉय के दरमियान स्पेस है, सही है। तो पहले तुम मुझे बताओ कि चार बॉयज के दरमियान, मैं दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे, इस कलर को चेंज कर लेता हूँ, ये पहला बॉय, ये दूसरा बॉय, ये तीसरा बॉय, ये चौथा बॉय। तुम इन चार बॉयज के दरमियान पहले स्पेस काम करो कितनी है, एक दो तीन चार पांच, समझ आया। अब इन पांच पोजीशन में मैं पहली लड़की लाके बिठा सकता हूँ, डन। तो फॉर द फर्स्ट गर्ल हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, मतलब पहली गर्ल जो है वो यहाँ पे भी बिठा सकता हूँ, यहाँ पे 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 बिठा सकता हूँ, तो फाइव। लेट्स से मैंने यहाँ बिठा दी। अब अगली गर्ल के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, चार, ठीक है। लेट्स से मैंने उसको यहाँ बिठा दिया, अब उससे अगली गर्ल की पॉसिबिलिटी कितने की है, तीन, ठीक। समझ में आया सर? समझ अभी आप समझा रहे हैं समझ आ जाता है, ठीक है। अब बाद में जाके अब अगर ये जो पहले भी फर्स्ट टाइम में यही हुआ था कि समझ आ जाता था जब सर समझाते थे, बट जब बैठते थे करने के लिए तो मेरे बच्चे बैंक हो अभी तो जाती है। शुरुआत हुई है, हम ना अभी तो जिंदगी की सर शुरुआत हुई जैसे है। सर मेरी बात सुनिए, जैसे अभी आपने पहले हाँ क्वेश्चंस कराए, ठीक है, पहले लग हाँ रहा था कि नहीं आते लेकिन आपने हाँ समझाए समझ आ गए, लेकिन अब आप आगे वाले करा रहे हैं तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे करना है, मैं अभी मुश्किल एक लग रहा काम, है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता देता हूँ पहले। ये देखो, पहले तो चीज ये है कि अभी हम चल रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर में, ठीक है। इनके जो की पॉइंट्स हैं वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, तो ये तुम्हारे पास हार्ड कॉपी में भी आ जाएंगे, ठीक है। तुमने सबसे पहला काम क्या करना है, तुमने हर रूल को हिफ्ज करना है कि कौन सा रूल कौन सी सिचुएशन पे अप्लाई होगा। देखो, काउंटिंग टेक्निक के रूल्स हैं, लॉजिक्स नहीं है, बहुत प्रोबेबिलिटी लॉजिक्स है, काउंटिंग टेक्निक रूल्स हैं, सही है सर। ठीक है। तो मेरे साथ रहो, मैं फिर भी हर बात पे बार बार रिवीजन करवाता रहता हूँ, उसका रीजन ही सिर्फ यही है कि ताकि तुम लोग साथ साथ मेरे चलते रहो। सो ये ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट बैठता है सबके जहनों में। जी सर। चलो, मैं अब यहाँ पर एक क्विक रिव्यू देता हूँ पहले। भाई, अब तक हम लोग काउंटिंग प्रिंसिपल में सिलेक्शन वन की पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, मैं इसको ना एक क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ ताकि तुम लोग मेरे साथ इसको सॉल्व। लेट्स से ये सिर्फ सेटिंग के ऊपर थोड़ी अप्लाई हो सकता है। मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। जुल्फिकार, यस जुल्फिकार, अनम्यूट ऑडियो। सर, लास्ट जो आपने सवाल कराया था उसमें आपने सेवन चेयर्स थी लेकिन आपने तो नाइन पॉसिबिलिटीज की चेयर बनाई थी ना? एक मिनट, मैं तुम्हारे सामने पहले वो बोर्ड ले आता हूँ ताकि तुम मुझे उसपे समझा पाओ। अब बोलो, ये लो। सर, यहाँ पर जो नीचे जो आपने जी हाँ वाला जो पार्ट है इसमें हाँ आपने जो नीचे पॉसिबिलिटीज का बनाया नहीं है नहीं नहीं उसमें, मैंने पॉसिबिलिटी नहीं है, मैंने बेसिकली चेयर साथ ही रखनी है। लेकिन मैं सात चेयर सर रख कैसे सकता हूँ, चार चेयर तो फिक्स हो गए। मतलब तुम अपने जहन में लेकर आओ, विजुअलाइजेशन में। तुम्हें एक बात बताता हूँ, चलो गिनना शुरू करते हैं। ये हो गई पहली गल, डन। सही। इसका तब ये वाला जो बॉय है ना, हाँ ये यहां बैठ गया। पहली ओके पॉसिबिलिटी क्या बनी, G1 B1 G3 B2 G2 B3 B4। भाई, दो बॉयज साथ बैठ सकते हैं, दो गर्ल ओके साथ ओके में बैठ ओके सकती सही ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया, सही है सर, समझ गया। हाँ ठीक है ना। जिसकी काउंटिंग कम तो होगी ना दो उसको बाद तो में ऐसे बिठाओ। ही यूज़लेस है कोई सी भी। हाँ, उसको बाद में बिठाओ, वो खुद ब खुद यूजलेस हो जाएंगी जो चेयर मैंने एक्स्ट्रा बनाई होंगी। जी सर, बैठा जुल्फिकार पक्का? यस सर। चलो, गुड, हो गया। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन था ये, मैं इसी जो अभी मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को चेयर्स वाला कराया है ना, इसी क्वेश्चन पे मैं वर्ड्स वाला क्वेश्चन रखवाता हूँ आपके सामने। हाँ भैया, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स यू कैन फॉर्म फ्रॉम द वर्ड करेज?
कौन अल्लाह का बंदा मुझे इसका आंसर देगा भाई, अल्लाह का बंदे तो सारे ही हैं, लेकिन चलो मैं किसी से पूछे तो फिजा कामरान, फिजा कामरान फिजा कामरान आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। हाँ मुझे बताओ करे से कितने वर्ड बना सकती हो? सेवन फैक्टोरियल, गुड। अगला जवाब देंगे, वो वर्ड बताओ, वो वर्ड्स बना के दो करे से जो सिर्फ सी से स्टार्ट हो रहे। मैं जिससे पूछूं, रुक जाओ। हाँ भाई स्टार्टिंग विथ सी कौन जवाब देगा? आमना, यस सर। वन मल्टीप्लाइड बाय सिक्स फैक्टोरियल। एक्सीलेंट, क्योंकि हमने पहले पोजीशन सी की फिक्स कर दी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं टोटल काउंटिंग में से एक को क्या कर दूंगा, कम। जी ठीक है, गुड, एक्सीलेंट आमना, सिक्स फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें कहूँ मुझे वो वर्ड्स काउंट करके दो जो के एंड हो रहे हैं विद ई, तो अभी भी मैंने लास्ट पोजीशन किसके लिए फिक्स कर दी? ई के लिए। तो ये टोटल कितने लेटर्स हैं? सात, एक कम कर दो, सिक्स फैक्टोरियल, डन। जी वॉवल्स कम टुगेदर। हाँ भाई ग्रुपिंग हो गई अब। अगर वॉवल्स कम टुगेदर है, पहले तो मैं ये काउंट करना चाहूंगा कि वॉवल्स कम टुगेदर का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे ग्रुपिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, दैट मींस एन कितना है, सेवन, टोटल लेटर सेवन है, और ग्रुपिंग वॉवल की करनी है, वॉवल कितने है इसके अंदर, एक दो तीन चार, चार वॉवल है तो चार की ग्रुपिंग होगी। फॉर्मूला क्या है, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, सेवन माइनस फोर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल, सेवन माइनस फोर थ्री प्लस वन फोर, फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 576। देखो लाजमन नहीं है कि सिर्फ सेटिंग के ऊपर अप्लाई होगा, मैंने एक लेटर पे वर्ड पे तुम्हारे को ये समझा रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट ग्रुपिंग का जो भी मैं तुम्हें पढ़ा के आऊँ पूरा। नाउ अगला कॉन्सेप्ट, नो टू वॉवल्स कम टुगेदर, कोई मुझे इसका जवाब दे देना मजा आ जाए। नो टू वॉवल्स कम टुगेदर, टोटल में से ग्रुप्ड माइनस होगा। अरे यार जबरदस्त हो गया, टोटल कितना है, सेवन फैक्टोरियल माइनस वॉवल्स जो सात हैं उनसे कितने वर्ड्स बन रहे हैं, 576, तो सेवन फैक्टोरियल में से मैं 576 को क्या कर दूंगा, माइनस। चलो एक काम करते हैं, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग और रिपीटेटेड परम्यूटेशन को साथ मिलाते हैं। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास वर्ड है, या छोटा वर्ड लेता हूँ, या बड़ा वर्ड में ना टाइम लग जाएगा, छोटा वर्ड लेते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन वर्ड है कोरोना, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले चलो भाई आमना तुम्हारी बारी, अब किसी और को पकड़ता हूँ मैं, रुक जाओ। ये कासिम फुजैल, तुमने क्या म्यूट का ऑप्शन बंद किया है? तुम्हें मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तुम म्यूट ही नहीं हो पा, अनम्यूट ही नहीं हो पा रहे यार। कासिम चलाकी कर रहे थे। कासिम आर यू लिसनिंग टू मी? कासिम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर आवाज आ रही है मुझे आपकी। अच्छा गुड,
हाँ भैया तुम्हारे पास है कोरोना वर्ड, बताओ इससे कितने वर्ड्स बना सकते हो? पहले सिक्स होगी, तीन तीन छह सिक्स फैक्टोरियल, गुड हो गया। क्या गलती करी तुमने कासिम? अरे तुम कासिम लास्ट क्लास में थे? नहीं सर। अच्छा सर इसमें दो ओ हैं तो इसका जो है वो क्या करेंगे? याद नहीं सर। डिवाइड, रिपीटेड परम्यूटेशन हमेशा डिवाइड होती है, याद रहेगा? सही है सर। सिक्स फाइव फोर थ्री इंटू टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। सिक्स फाइव थर्टी वन ट्वेंटी, 360 वर्ड्स बना सकते हो कोरोना से। चलो अब मैं जरा अगले पे चलता हूं। अगला मेरा क्वेश्चन सुनना, अगला मेरा क्वेश्चन सुनना। वॉवल्स कम टुगेदर, कौन जवाब देगा इसका? याद रखना वर्ड में लेटर रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड परम्यूटेशन भी इस पे अप्लाई होगी और ग्रुपिंग भी अप्लाई होगी। तो दो बातें देखो, टेक्निक्स याद रहेंगी ना तो तुम्हें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका याद रहेगा। कोरोना है ना, इसका मतलब इसमें एक तो रिपीटेड परम्यूटेशन भी अप्लाई होगी, डन, और वॉवल कम टुगेदर लाने तो ग्रुपिंग भी अप्लाई होगी। तो दोनों बातें ध्यान में रखते हुए मुझे जवाब दो, कौन जवाब दे रहा है इसका? कौन जवाब दे रहा है भाई? आई नो दैट सबको कोरोना से डर है लेकिन जवाब दे दो भाई। एनीवन? आमना, नूरुल लास्ट क्लास में नहीं थी। हाँ मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। क्यों नहीं थी तुम? सर नेट का इशू हो रहा था। अच्छा नूरुल लैन सर, 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यार क्या बच्ची है तू यार, गुड हो गया, एक्सीलेंट भाई। सबसे पहली बात तुम्हें वॉवल्स कम टुगेदर चाहिए। वॉवल्स कम टुगेदर का पहले जवाब दो मुझे, क्या जवाब दोगे? वो तो तुम अभी दे सकती थी वैसे तुम, आमना क्या जवाब देती तुम? सर टोटल है 6, ग्रुपिंग कितने की होगी? 3 की। 3 तो क्या लिखोगी? 6 माइनस 3 प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, है ना? जी सर। अब मुझे एक जवाब दो, रिपीटेड परम्यूटेशन कितनी है इसमें? ओ वर्ड दो दफा आ रहा है, तो आ रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? सही है। मैं अब तुम्हारे से एक सवाल है आमना, तुम लास्ट क्लास में नहीं थी लेकिन अब तुम समझ गई हो तो तुम मुझे जवाब दो। पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम, हाँ भैया वॉवल्स 7 चाहिए। आमना वॉवल्स 7 चाहिए, टोटल वर्ड्स बताओ। वॉवल्स 7 चाहिए, टोटल वर्ड्स बताओ। बेशक अपने सामने लिख लो पैरालेलोग्राम। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, टोटल पैरालेलोग्राम में 13 वर्ड होते हैं और 13 लेटर्स होते हैं। वॉवल्स 7 चाहिए। और वॉवल जहाँ पे कितने में गिन भी लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 है वॉवल्स। रिपीट हुए वो बाद में गिनेंगे, स्टेप बाय स्टेप आओ पहले, पहले वॉवल्स टुगेदर वाले बताओ। सही है सर। पहले हम करेंगे कि 13 माइनस 5 प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। ये तो हो गया ऊपर वॉवल्स कम टुगेदर। अब इसमें रिपीटेशन भी हो रही है तो रिपीटेशन काउंट करते हैं। पहले कौन रिपीट हो रहा है? ए, 3 दफा, 3 दफा, सही है। एल, 1, 2, 3 दफा। और कौन रिपीट हो रहा है? आर, 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 2 दफा, ठीक है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, पैरेललोग्राम में अगर मैं किसी और से सवाल पूछता हूँ, किसी और से, आमना अरमान ढूंढ पे जाओ तुम,
जी सर। मोहम्मद वासे जी सर। पैरेललोग्राम में जो मैंने ऊपर काउंटिंग की है, ये सारी काउंटिंग किसकी है, ये आ गया जो भी आंसर आएगा इसका, ये वो है जिसमें वॉवल्स कम टुगेदर है, ठीक है जी। मुझे एक आंसर दोगे, अगर के वॉवल्स नॉट कम टुगेदर, वॉवल्स डू नॉट कम टुगेदर, वो वर्ड्स काउंट करने तो कैसे करोगे सर? क्योंकि हमने रिपीटेड परमिटेशंस को नीचे नोट डाउन कर लिया है, तो इसलिए 13 फैक्टोरियल ही आएगा ऊपर। हाँ सही, गुड, ऊपर 13 फैक्टोरियल आएगा और उनके साथ डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। जी सर। अब और सर 13 के साथ ये जो तुमने मुझे लिखवाया है, ये वो लिखवाया है जिसमें पैरेललोग्राम से जो टोटल वर्ड्स बन रहे हैं ना? जी सर। यानी इसमें वो वर्ड्स भी शामिल है जिसमें वोवल्स सात होंगे और वो वर्ड्स भी शामिल है जिसमें वोवल्स सात नहीं होंगे। नहीं होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ किसकी गिनती चाहिए? वोवल्स सात नहीं होंगे। तो आप जवाब दो सर, जो ग्रुपिंग है उसमें से माइनस कर देंगे। गुड, तो ये जो ये वाला आंसर निकला होगा ना जी, ये इसमें से क्या होगा? माइनस, तो जाके मुझे मेरा आंसर मिलेगा, ठीक है जी सर। नाउ शो क्लास, आगे बात करते हैं अब आपसे, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी हो गई ग्रुपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है भैया? ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, सिलेक्शन अभी भी वन की है, ठीक है ना? और अब यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद मैं आपके सामने अगले कॉन्सेप्ट पे जाना चाहूंगा। और अगला कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पर बेसिकली नंबर मेकिंग है, दैट इज बेसिकली नंबर मेकिंग। देखो भैया, जिस तरह वर्ड्स लेटर्स से मिलके बनते हैं, जिस तरह वर्ड्स लेटर्स से मिलके बनते हैं, इस तरह नंबर डिजिट्स से मिलके बनते हैं। डिजिट्स जीरो हो सकता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है, फाइव होता है, सिक्स होता है, सेवन होता है, एट होता है, नाइन। तो ये नौ, सॉरी दस डिजिट्स हैं, जीरो से लेके नाइन तक, ये दस डिजिट्स हैं जिनसे नंबर बनाए जाते हैं। ये दस डिजिट्स हैं जिनसे नंबर बनाए जाते हैं। तीन डिजिट वाला भी बनता है, चार डिजिट वाला भी बनता है, छह डिजिट वाला भी बनता है। पहले अपने सामने कॉन्सेप्ट बिठाओ। आपको हमेशा एक सीरीज दी जाएगी, आपको हमेशा एक सीरीज गिवन होगी, ठीक है? आपको हमेशा एक सीरीज गिवन होगी और उस सीरीज से आप नंबर बनाएंगे, जितने डिजिट वाला भी वो बोल रहे होंगे। और कंडीशन आपको दो दी जा सकती हैं, कंडीशन आपको दो दी जा सकती हैं, क्या? या तो जो डिजिट है वो नंबर में नॉन रिपीटेटिव हो, या डिजिट नंबर में रिपीटेटिव हो। टोटल डिजिट्स हैं 10, लाजमन बात नहीं हर दफा 10 के 10 डिजिट्स आपको सीरीज में नजर नहीं आएंगे, आपको कोई भी एक सीरीज गिवन होगी। चलो आओ मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने सबसे पहले सिंपली रखता हूं। लेट्स से मैंने आपको एक सीरीज दी, टू थ्री वन सिक्स एट, मैंने आपको एक सीरीज दी, टू थ्री वन सिक्स एट, टोटल डिजिट्स इसमें पांच हैं, टू थ्री वन सिक्स एट, ठीक है भैया? एक बड़ा यूनिवर्सल रूल बताना चाहूंगा डिजिट प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है? इन डिजिट प्रॉब्लम्स ये रूल याद रख लो बस, तुमसे किसी तरीके का भी क्वेश्चन डिजिट में नंबर मेकिंग के लिए पूछा जाएगा, डिजिट्स में नंबर मेकिंग के लिए पूछा जाएगा, तुम बड़ा आराम से कर सकते हो। सो इन डिजिट प्रॉब्लम्स, इन डिजिट प्रॉब्लम्स रिस्ट्रिक्ट डिजिट्स इज टू बी डील फर्स्ट,
ये रूल अभी तो शायद मेरे ख्याल से किसी को समझ आए ना आए, मुझे नहीं कुछ कन्फर्म पता, लेकिन ये तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता इसको अप्लाई करता हुआ जब मैं नजर आऊंगा ना, तो तुम्हें असल में नंबर मेकिंग की कहानी समझ में आएगी। मैंने तुम्हें एक सीरीज दी है, दिस वन 23168, टोटल 5 डिजिट्स हैं। मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तुम पे, मतलब मुझे सिर्फ तुमसे ये सवाल पूछना है, तीन डिजिट वाला नंबर, तुम तीन डिजिट वाले कितने नंबर इन पांच डिजिट से बना सकते हो, इन पांच डिजिट से बना सकते हो जब डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा हो। यार मैं एक काम करता हूँ, अगले वाले बोर्ड पे चल देता हूँ। तीन डिजिट वाला नंबर बनाना है, यूनिट 1000, तीन डिजिट में यूनिट 1000 आएगा ना, ठीक है ना। अच्छा जी, पहले रिपीटेटिव वाली बात करेंगे, फिर नॉन रिपीटेटिव वाली बात करेंगे। टोटल डिजिट्स हैं कितने, टोटल डिजिट्स हैं कितने, मैं अगर तुम्हारे सामने रखूं, टोटल डिजिट्स हैं 23168, टोटल 5 डिजिट्स हैं, ठीक है भाई, याद रखना 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो 100 वाली पोजीशन पे पांचों के पांचों आ सकते हैं, 10th वाले पे भी पांचों के पांचों आ सकते हैं, यूनिट वाले पे भी पांचों के पांचों आ सकते हैं। याद करो, अगर रिपीट हो सकता है तो काउंटिंग में फर्क नहीं आएगा, तो 5 × 5 × 5, तो इसका मतलब मैं टोटल 125 नंबर्स बना सकता हूँ उन पांच डिजिट से, जिसमें डिजिट अपने आप को रिपीट भी कर रहा होगा। और अगर डिजिट रिपीट ना करें अपने आप को, तो जहां पे रिपीटेशन अलाउ ना हो वहां पे आप डिक्रीज करते हैं, तो 5 × 4 × 3, 5 × 4 = 20 × 3, 60 नंबर्स नॉन रिपीटेटिव डिजिट वाले बना सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तुम्हारे पास। चलो मैं तुम्हें रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ, पहली रिस्ट्रिक्शन सबसे आसान वाली। लेकिन उस आसान वाली रिस्ट्रिक्शन से पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा नोट के तौर पे। याद रखना, 0 एक ऐसा डिजिट है जो कभी भी स्टार्ट पोजीशन पे या फर्स्ट पोजीशन पे नहीं प्लेस किया जा सकता, बल्कि मैं यूं लिखूंगा, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं प्लेस किया जा सकता। यानी अब मैं सीरीज दे रहा हूं, गौर से समझिएगा, मैं सीरीज दे रहा हूं, लेट्स से 1 5 0 2 3 7, ये मैंने आपको एक सीरीज दी, टोटल काउंट करो तो 6 डिजिट्स हैं, टोटल काउंट करो तो 6 डिजिट्स हैं। लेट्स से मैं आपको ये कहता हूं कि आप मुझे 4 डिजिट वाले नंबर बना के दें। चलो बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना लिया करो, अच्छा होता है। यूनिट 10 100 1000, यूनिट 10 100 1000, ठीक है, नॉन रिपीटेटिव और रिपीटेटिव, ठीक है भाई। अच्छा जी, मैंने अब वो वाली बात मेरी अप्लाई करना, रिस्ट्रिक्शन वालों को पहले फिल किया जाता है, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें कहूँ कि पहले तो रिपीटेटिव की बात करते, रिपीटेटिव की बात करते भूल जाओ जीरो मौजूद है और मैंने कुछ जीरो के बारे में बात की है, भूल जाओ जीरो मौजूद है और मैंने कुछ जीरो के बारे में बात की है, टोटल कितने डिजिट्स हैं, 6। रिपीटेटिव की बात करेंगे, रिपीटेटिव की बात करेंगे तो 6 6 6 6, सब पे 6 चीज आएंगे। लेकिन सर अब रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करो, अब रिस्ट्रिक्शन अप्लाई, पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता सर, तो 6 नहीं होगा सर, 5 होगा। तो रिपीटेटिव की क्या कंडीशन बन गई, रिपीटेटिव की क्या कंडीशन बन गई, 5 × 6 × 6 × 6, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट विल बी 6 × 6 × 6 × 5, 1080। चलो नॉन रिपीटेटिव बनाओ, पहले काउंटिंग कर लिया करो, 6 यहाँ पे आ सकते हैं, 5 यहाँ पे आ सकते हैं, 4 यहाँ पे आ सकते हैं, 3 यहाँ पे आ सकते हैं, सर वो पहली पोजीशन पे जो है ना 0 भी नहीं आ सकता, तो 6 के बजाय 5। तो नॉन रिपीटेटिव क्या बना, 5 5 4 3, 5 × 5 = 25 × 400 × 3 = 300। सब पे रूल ये अप्लाई होगा, ये वाला कह रहा हूँ भाई,
टोटल डिजिट्स हैं तो रिपीटेटिव में सबकी काउंटिंग, नॉन रिपीटेटिव में डिक्रीजिंग काउंटिंग। हमेशा पहले उसको फिल करोगे फिर अपनी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करो, पहले उसको फिल करोगे फिर अपनी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करोगे। याद रहेगी बात, रूल ये याद रखोगे, रिपीटेटिव में सब आते हैं, नॉन रिपीटेटिव में डिक्रीजिंग आता है। और नंबर मेकिंग में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, नंबर मेकिंग में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी तो पहले मैं अपने हिसाब से फिल करूंगा फिर अपनी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करूंगा। जैसा कि अब मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन और रखता हूं। चलो भैया मैं जरा तुम लोगों के साथ खेलने के लिए दोबारा तैयार हो चुका हूं। तो मेरा क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 7 टोटल डिजिट्स हैं। कितने टोटल डिजिट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हो गए टोटल। ठीक है भैया, क्लियर होती बात? मुझे 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 वो नंबर्स चाहिए, मुझे वो नंबर्स चाहिए जो ग्रेटर देन 400 हो। चार डिजिट वाले वो नंबर्स चाहिए जो ग्रेटर देन 400 हो। नॉन रिपीटेटिव रिपीटेटिव दोनों बात करते हैं। चलो भाई चार डिजिट वाला पहले डब्बा बनाते हैं। यूनिट 10, 100, 1000 भूल जाओ उन्होंने क्या बोला भाई, भूल जाओ उन्होंने क्या बोला है। टोटल डिजिट्स कितने हैं? 6। मैं चार डिजिट वाले नंबर बनाऊंगा पहले, रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव में क्या होगा? 6, 6, 6, 6। नॉन रिपीटेटिव में क्या होगा? 6, 5, 4, 3। मैंने अपनी कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं। अब आओ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं। हाँ भैया, पहली पोजिशन पे देखो मुझे 400 से ज्यादा वाले नंबर चाहिए। 400 से ज्यादा वाले नंबर का मतलब पहली पोजीशन पे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 7 आ सकता है। डन? तो यानी यहाँ पे 3 आ सकते हैं सर। तो क्या होगा रिपीटेटिव की कंडीशन? 3 × 6 × 6 × 6। क्लियर होती बात? इधर आ जाओ सर, पहली पोजीशन पे से 3 आ सकते हैं, कौन कौन? 4, 5, 7 के अलावा कोई नहीं आ सकता सर। बाकी सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो तो चलता ही रहेगा। टोटल 6 में से 1 यहाँ इस्तेमाल हो गया, 5 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 3 बाकी पूरा ही रहेगा। अब मेरी बात समझ में आई। सबसे पहले अपना यूनिवर्सल रूल अप्लाई करोगे, रिपीटेटिव में सारे आ जाएंगे और नॉन रिपीटेटिव में डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर अपनी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करो। कासिम डू यू हैव एनी क्वेश्चन? वेट कासिम। यस कासिम, सही है। आपने जो इसमें सवाल दिया वो ग्रेटर देन 400 है या ग्रेटर देन 4000 होगा? या सॉरी ग्रेटर देन 4000, बिल्कुल वो मेरी गलती हो गई। ग्रेटर देन 4000 ये लो, सॉरी। ठीक है, ना रिस्ट्रिक्शन की बात समझ में आती है? ठीक है, यहीं पे अपना लेक्चर एंड करते हैं। वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर। हमारा परमिटेशन कॉम्बिनेशन काफी बड़ा टॉपिक है, याद रखना। और याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नस के पैटर्न पे भी और एनईडी के पैटर्न पे भी, क्योंकि इससे एमसीक्यूज बड़े आराम से बन सकते हैं ना, छोटे छोटे 10-10 सेकंड वाले, 15-15 सेकंड वाले। और मैं आई नो दैट बहुत सारे रूल्स हैं एक साथ हजम करना, मैं तभी आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एक तो ऑनलाइन है और दूसरी बात एकदम से नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, आराम आराम से हाजमा कराऊंगा ताकि सारे रूल्स बिठा सकूं। नंबर मेकिंग में मैंने अपना एंड किस पे किया है? नंबर मेकिंग पे। डिजिट्स दूंगा, नॉन रिपीटेटिव है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिपीटेटिव है तो ओवरऑल काउंटिंग। पहले अपने हिसाब से फिल करूंगा उसके बाद अपनी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच क्लास। यहीं से नेक्स्ट क्लास का मतलब कल एक किसी का क्वेश्चन है, बिल्कुल है, बिल्कुल लेंगे भाई। अब्दुल रहमान अफसर, यस नूरुलैन,
सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया कि आपने कौन सा वाला, यही वाला 6 को 3 क्यों लिखा ये? हाँ 6 को 3 क्यों लिखा, देखो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे पहली पोजीशन पे 6 के 6 डिजिट में से कोई भी आ सकता था, सही माना मैंने? जी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वो नंबर्स तुमसे बोले हैं जो ग्रेटर देन 4000 का मतलब पहली पोजीशन पे कौन आएगा तो नंबर ग्रेटर देन 4000 होगा, बताओ जवाब दो। 4 आएगा तो होगा 4000 से ज्यादा जी, 5 आएगा हैं? सर फिर से रिपीट कर दें क्या बोला आपने? देखो ये देखो पहली पोजीशन पे 6 6 6 6 तुम्हारे हिसाब से तो ये चल रहा था ना, इसका मतलब इस 6 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, माना मेरी बात? जी। अब तुम पहली पोजीशन पे, तुम्हारे पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि तुम्हें कौन सा 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है जो 4000 से ग्रेटर हो। ग्रेटर का मतलब पहली पोजीशन पे 1 नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता, है ना? सही। 3 भी नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, हाँ, 5 आ सकता है, यस, 7 आ सकता है, आ सकता है। तो पहले वाले की पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 3 की। समझ में आया? बाकी सेम रहा। अब्दुल रहमान अफसर आपका क्या क्वेश्चन है? अब्दुल रहमान आई थिंक अब्दुल रहमान तुम बोल नहीं पा रहे शायद। So, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो रेज योर हैंड। यहाँ तक की बातें सारी समझ में आई? नंबर मेकिंग रिवीजन करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी नंबर मेकिंग कंटिन्यू में है, ठीक है? आ गया भाई किसी का सवाल आ गया। अहमद कामरान, ओ सॉरी अहमद कामरान, एक मिनट मैं अनम्यूट कर दूं। यस अहमद, वेट वेट वेट, आप अनम्यूट नहीं हुआ अभी तक। यार तुम लोग अनम्यूट को बंद करके रखते हो ना, वैसे मुझसे अनम्यूट नहीं होते आप। अनम्यूट करो। देखा अहमद कामरान, तुम अभी भी अनम्यूट नहीं हुए क्योंकि मैंने अनम्यूट ऑल किया है। तुमने अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है म्यूट को अनम्यूट रोकने से, तो काइंडली रिस्ट्रिक्शन खत्म करोगे तो मैं सबको फिर जवाब दे पाऊंगा। किसी और का कोई सवाल? सही वाला क्वेश्चन नहीं आया समझ, मतलब कैसे हम मतलब 3 ले आए। ये कौन बात कर रहा है, आमना? जी सर मैं ही बात कर रही हूँ। अच्छा तुम ही बात कर रही हो, रुक जाओ मैं जरा सबको पहले म्यूट कर लूँ फिर तुम्हारे को लेता हूँ। हाँ यस आमना अब बोलो। सही वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। मुझे एक बात बताओ, सीरीज में टोटल डिजिट्स कितने हैं? टोटल डिजिट्स 6 है ना? भूल जाओ मैंने कुछ बोला है तुमसे, तुम मुझे बताओ 4 डिजिट वाले नंबर रिपीटेटिव कितने बनाओगी? 6 6 6 6 6 ऐसा ही? यस सर। अब जब पहली पोजीशन पे 6 बोल रही हो उसका मतलब तुम पहली पोजीशन पे बोल रही हो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, माना मेरी बात? सही है। लेकिन उन्होंने, अब तुम अपनी रिस्ट्रिक्शन पे आओ, तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन क्या है? तुम्हें वो नंबर की काउंट करनी है जो कि 4000 से बोलो आदो? जो तुमने वो नंबर्स की काउंटिंग करनी है जो कि 4000 से ग्रेटर हो, इसका मतलब पहली पोजीशन पे 1 नहीं आ सकता, 1 आएगा तो नंबर 4000 से छोटा हो जाएगा। जी सर। 2 आएगा तब भी 4000 से छोटा होगा। जी। 3 आएगा तब भी 4000 से छोटा होगा। जी सर। 4 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा तो नंबर 4000 से ज्यादा होगा, तो पहली पोजीशन पे आने की कितने की पॉसिबिलिटी? 3 की। बाकी आगे तो रिपीट हो सकता है ना, तो 6 6 6। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई हुई? पहली पोजीशन पे। सही है सर। हमेशा याद रखना दो बातें नंबर मेकिंग में, हमेशा दो बातें याद रखना, पहले अपने हिसाब से भरोगी, और अपने हिसाब से कैसे भरोगी, रिपीटेटिव है तो काउंटिंग रिमेन सेम, और नॉन रिपीटेटिव है तो फिर तो डिक्रीजिंग।
फिर अपनी क्या अप्लाई करोगी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी तो? याद रहेगी बात? सही है सर, याद रहेगी। भाई ये दो बातें अपने साथ गिरा बांध लेनी है और मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगी तो। सही है सर। ठीक है, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। रबीका, यस रबीका वली जान। सर ये जैसे आपने पहले किया था 400 लिखा हुआ था, अगर हम 400 हाँ, वो सॉरी वो मेरे से गलती हो गई थी, वो मुझसे गलती हो गई थी, 4000 ही होगा तो 400 हो नहीं सकता? हो नहीं सकता ना, चार डिजिट वाले तो 1000 की काउंटिंग में आएंगे ना, 100 वाली काउंटिंग में तो 3 डिजिट वाले आएंगे ना। सही है, और अगर इधर 8000 होता तो फिर हम पहले में जीरो करते। हाँ ऑब्वियस बात है, फिर तो नंबर ही नहीं बन पाते 8000 से ऊपर वाले। जीरो, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके हाँ भैया, किसी और का कोई सवाल? सो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग ओवर हियर। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सारे भाई लिखते जा रहे हो ना, सारे लिखते जाया करो साथ साथ, ठीक है? यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। एक मिनट, किसी का सवाल आ गया भाई? सवाल मैं नहीं छोड़ता भाई। मुश्तबा शफीक, मुस्तफा आई कैन नॉट अनम्यूट यू। अब तुम लोग जो है ना अपने ऑप्शन में जो है ना वो म्यूट को ऑप्शन रखते हो कि कोई दूसरा अनम्यूट कर नहीं सकता, सिर्फ मैं तुम्हें अनम्यूट नहीं कर पा रहा। आप मुझे ग्रुप पे भेज देना, मुस्तफा आप मुझे ग्रुप पे क्वेश्चन भेज देना अगर, और अब्दुल रहमान आप भी अगर कोई ग्रुप पे क्वेश्चन भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।